नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जॉब करने के दौरान आपका पीएफ कट होता है। तो पीएफ जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड, यानी कि प्रोविडेंट फंड जब आपका कटता है तो आपको उसमें जब कटने के साथ में जब भी आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपका पीएफ कटने के साथ में आपका एक वहाँ पर अकाउंट बनाया जाता है, जो मतलब पीएफ अकाउंट बोलते हैं जैसे, या फिर उसको बोलते हैं यूएएन। यूएएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो उस अकाउंट नंबर को दोस्तों मिलने के बाद में आपको एक्टिवेट करना होता है। दोस्तों, उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होता है, दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है आपके मोबाइल में। तो यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होता है यूएएन लॉगिन, ये लिख के आपको सर्च करना होता है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, तो मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर यू एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड की ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देता है। तो आपको सिंपली करना क्या होता है कि यहाँ पर आपको पहले अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड करना होता है। इससे क्या होता है कि आपका मोबाइल जो है पूरा कंप्यूटर की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पर इसको डेस्कटॉप साइड कर देना है। तो इस प्रकार से जब अपना ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यूएएन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देता है यूएएन। तो यूएएन नंबर मतलब आपका, अगर पहले से अकाउंट नंबर आपको यूएएन नंबर वगैरह पता है, पासवर्ड आपका है, तो आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। और अगर आपके पास नहीं होता है तो उस ड्यूरेशन में आपको करना क्या होता है कि आपको अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट करना होता है। तो एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर जाना है। थोड़ा स्क्रॉल करते हुए जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर नो योर यूएन नंबर, अदर डेथ क्लेम वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट जो एक लिंक मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है यूएएन एक्टिव, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लिंक पे आपको क्लिक करना है अपना यूएएन एक्टिवेट करने के लिए। आप कैसे करना है लिंक को क्लिक, तो ऐसे बता देते हैं दोस्तों आपको। तो इसको आपको क्लिक करना है, यहाँ पर ओपन कर लेना है आपको। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको डिटेल डालने को बोला जाएगा कि आपका यूएन नंबर क्या होता है। दोस्तों, यूएन आपके पेमेंट स्लिप पे मिल जाता है, या फिर आपका जब भी पीएफ कटता है तो आपको वहाँ पर मैसेज आता है, तो मैसेज के थ्रू भी आप देख सकते हैं। अगर आपको अब यूएन नंबर भी पता नहीं है तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप कैसे पता करना है कि आपका यूएन नंबर क्या है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो नीचे जा करके आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यूएन नंबर मिलने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर डालना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपका नाम यहाँ पर डालना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है और नीचे आपका मोबाइल नंबर डालना है। अब मोबाइल नंबर आपको कौन डालना है, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वही नंबर आपको यहाँ पर कैप्चा में फिल करना है, अदरवाइज आपके पास ओटीपी नहीं आएगा। दोस्तों, आप क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करने के लिए बोला जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर टिक पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर एक ओटीपी आता है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। तो दोस्तों, कैसे करना है अभी मैं सारी डिटेल यहाँ पर फिल करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल को फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक ओटीपी वाला कैप्चा कोड, मतलब जिस पे ओटीपी मतलब अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए टिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर टिक कर दिया और टिक करने के बाद में आपको गेट ऑथराइजेशन पिन जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको टिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि जो आधार कार्ड के साथ में लिंक है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी भेज दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अभी वो ओटीपी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको फिल करना होता है इस वाले कैप्चा कोड पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ओटीपी को डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो ओटीपी है उसको फिलअप कर दिया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी एंड एक्टिवेशन जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में आपके सामने आपका यूएन नंबर जो है एक्टिवेट हो जाएगा और आपको एक पासवर्ड मिल जाता है। बाद में उस पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको पासवर्ड चेंज करना है। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना नहीं पता है तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, फिर भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं नया वीडियो भी बना दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कर देता हूँ जल्दी से। तो ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर वैलिडेट एंड एक्टिवेशन। तो यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे
और इसके बाद जो है आपके सामने यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है कि योर यूएन हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मतलब लिखा हुआ है कि यूएन सक्सेसफुली यहाँ पर रेडी हो गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काइंडली। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपना यूएन को एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपका यूएन नंबर के साथ में एक पासवर्ड भेज दिया जाता है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि नीचे लिंक दिया है, और अगर आप सेपरेटली यहाँ पर कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल से ही अपना यूएएन को एक्टिवेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ में।